भाई आपका शुभ नाम? दीपक सिंह सर। सर अक्षरा साहित्यकार के जो कार्यक्रम चल रहा है एकेडमी का, इसके क्या उद्देश्य हैं और जो कार्यक्रम हुआ है आज इसके बारे में जानकारी? देखिए युवाओं की हम बात करते हैं तो कभी सम्मेलन आपको दिख जाएंगे, महिलाओं की भी कभी सम्मेलन अब होने लग गए हैं, जब हम बात करते हैं बुजुर्गों की तो गोष्ठियां भी तमाम तरीके की देश में आयोजित होती है, और अगर हम गजल और शेरो शायरी की बात करते हैं तो मुशायरा आपको जगह जगह होता दिखेगा। लेकिन बच्चों की लेखन प्रतिभा का क्या, बच्चों की लेखन प्रतिभा को उभारने के लिए ही अक्षरा साहित्य अकादमी के द्वारा ये उपक्रम शुरू किया गया है। इसका नाम रखा है परिचय भी लिखते हैं, अमर साहित्यकार बाल साहित्यकार श्रद्धे द्वारके प्रसाद माहेश्वरी जी को समर्पित ये कार्यक्रम है, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। उसका आज पहला कार्यक्रम हमने यहाँ पर करा है, बच्चे भी लिखते हैं चैप्टर वन। अगला कार्यक्रम जल्दी हम आपको बताएंगे कि किस जिले में करने जा रहे हैं। हमारी उद्देश्य ये रहेगा कि हम 75 जिलों के अंदर इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते। अपना नाम बताएं जी। वैभवी मिश्रा। आज जो आपका यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है और जो आपने बुक्स लिखी है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? जी मुझे ज़्यादातर चीज़ों को देख के और मोस्टली फीलिंग से इंस्पिरेशन मिलता है, और हमेशा अपनी मम्मा से भी मिलता रहा है। और जो बुक आपने लिखा और जो स्पीच दिया है और जिस तरीके से सब में उत्साह है, इससे क्या सीखने के लिए मिलता? यही कि कभी भी अपने सपनों को नहीं चाहिए, अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही कितना भी मुश्किल रास्ता हो, लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, इसलिए कभी भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं चाहिए। इसमें आपने कितनी किस टॉपिक के आधार पर लिखा हुआ है? जी मैंने इमोशंस पे लिखी है सारी पोएम्स, 40 पोएम्स हैं और सारी मैंने ह्यूमन इमोशंस पर लिखी है। मैंने स्टोरी टेलिंग में पार्टिसिपेट किया था जिसपे मेरी स्टोरी का टॉपिक था डर, सच या वहम। मतलब एक लड़की थी मेरी स्टोरी में जिसकी, जो कि अपने ऑफिस से लौट रही थी दिल्ली में, और उसके अंदर 12 बजे के टाइम पे घर आते समय क्या क्या डर था उसके अंदर, मैंने उस चीज़ के ऊपर ये टॉपिक लगा था कि हमारे शहर की सड़कों पे लड़कियाँ कितनी सेफ हैं कितनी अनसेफ हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है उस टाइम पे जब वो अपने घर लौट रही होती हैं, तो इस सब के बारे में मैंने लिखा था, और कॉम्पिटिशन वॉज वेरी नाइस, आई वेरी इन्जॉयड इट। नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। अक्षरा साहित्य अकेडमी और इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अमर बाल साहित्यकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को समर्पित बच्चे भी लिखते हैं चैप्टर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मिल्टन पब्लिक स्कूल कोनार्ड, इंटर कॉलेज ज्ञान सिंह इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर, क्वीन विक्टोरिया सिमकिन स्कूल, केंद्रीय विद्यालय गायत्री पब्लिक स्कूल, डॉक्टर एम पी एस स्कूल, गणेश रामनगर शिवालिक स्कूल आदि बच्चों के साथ साथ शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों ने भी अपना सहभागिता प्रदान की। कार्यक्रम में लगभग 68 बच्चे शामिल हुए। प्रथम वर्ग कविता लेखन में तृतीय पुरस्कार क्वीन विक्टोरिया इंटर कॉलेज की छात्रा अनन्या सिंह को, और द्वितीय पुरस्कार सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र यशवर्धन शर्मा को, और प्रथम स्थान ज्ञान सिंह इंटर कॉलेज के छात्र आयुष्मान सिंह को प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे वर्ग में तृतीय पुरस्कार मिल्टन पब्लिक स्कूल की छात्रा कविता सिंह की कहानी को, द्वितीय पुरस्कार सेंट कॉनरेड की छात्रा तनिषा शर्मा की कहानी को, और प्रथम पुरस्कार सेंट कॉनरेड स्कूल की छात्रा अनुष्का गुप्ता की कहानी को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का अनोखा आकर्षण 18 वर्ष की वैभवी मिश्रा की पुस्तक बिहाइंड माय डोमिनो का विमोचन भी किया। वैभवी मिश्रा की किताब को शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा सराहा गया। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। समाज में गौरव प्राप्त करते हैं, ऐसे में जब कोई बच्चा किताब लिखता है तो साहित्यकारों की भीड़ में अलग से नजर आता है।
ऐसे ही एक नाम आज हमारे बीच में है, वैभव। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।